Hello everyone, I welcome you back to our channel Path to Pinnacle. Dear students, last video में हम लोगों ने बात की थी, कुछ circuits को हम लोगों ने solve किया था, circuit theory के बारे में बात की थी और आप लोगों को बताया था battery और current को जब आप एक point से दूसरे point तक जाते हो तो how to resolve. एक ही ब्रांच में अगर बहुत सारी बैटरी लगी हुई है तो हम अपनी अकॉर्डिंग उन बैटरीज को, उन रेजिस्टेंसेस को, एक इक्विवेलेंट बैटरी या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से उस ब्रांच को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोगों को वो कन्वीनियंट फॉर्म में आ जाए. फिर हम लोगों ने बात करी थी कि अगर कहीं पर भी हम लोगों को कुछ मानना है पोटेंशियल, तो हम अपनी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं. फिर हम लोग बैटरी या रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस देखते हैं कि वो वाला पोटेंशियल लो से हाई गए हैं हम लोग या हाई से लो आए हैं. अगर लो से हाई गया है तो अपन लोग उसको ऐड कर देंगे और अगर हाई से लो आया है तो वो माइनस में हो जाएगा. फिर हम लोगों ने बात करी थी, कुछ सर्किट्स को हम लोगों ने देखा था, सिमिलरली वैसे ही सर्किट्स को आज भी देखेंगे बट इन अ डिफरेंट फॉर्म. तो हम लोगों ने जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कुछ ऐसा एक सर्किट था हमारे पास, या टेक आउट दिस इज अ रेजिस्टेंस एंड दिस इज अ बैटरी, अगेन अ रेजिस्टेंस एंड अ बैटरी. ठीक है, let us suppose this is of 2 volt, 4 volt, 6 volt, 2 ohm, 2 ohm, 1 ohm and 2 ohm. अब similarly question वही है, लेकिन इसमें हम लोगों के पास एक नया concept मिलने वाला है कि अगर ऐसे question आ जाए तो how to attempt these type of questions. देखिए last वाले video में जो हम लोगों ने question किए थे तो उसमें what we'll realize कि हम लोगों ने किसी भी एक ब्रांच में एक पॉइंट का पोटेंशियल को जीरो मान लिया था, जो कि ये लाइव वायर है तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहने वाला है. तो दिस इज आल्सो ऑफ जीरो वोल्ट, दिस इज आल्सो ऑफ जीरो वोल्ट. फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि जब हम लोग यहाँ से यहाँ पर जाते हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में गए, यानी वी हैव टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय हाउ मच वोल्ट, बाय 2 वोल्ट. यानी इस ए पॉइंट का पोटेंशियल हमारे पास आया 2 वोल्ट. अब सिमिलरली जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक चलूंगा तो इसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा बच्चों, 4 वोल्ट. इसका पोटेंशियल कितना आ गया, 6 वोल्ट. बट नाउ मुझे क्या चाहिए था, मुझे सोल्व करने का एक ही पैटर्न है कि जितनी भी रेजिस्टेंसेस सर्किट में लगे हुए हैं उन रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, पोटेंशियल चाहिए था जिससे मुझे उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाना था. और मुझे वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, आर की वैल्यू पता है और सिमिलरली मैं उस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट और उसकी डायरेक्शन पता लगा सकता हूँ. चलिए तो हम लोगों ने क्या देखा कि हमें यहाँ पे मिल गया पोटेंशियल, ये दोनों सेम ही है तो हम लोग इन दोनों को इक्विवेलेंट बना सकते हैं 4 ओम. लेकिन हम लोग यहाँ पर आके फंस गए, हमें इस सी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता. लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर आप कोरिलेट कर पाएंगे तो यहाँ पे वो रेजिस्टेंस नहीं था तो हम लोगों ने इजीली इसको 4 वोल्ट बोला था, ये लाइव वायर बन गई थी तो यहाँ पे भी 4 वोल्ट. लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन में कहाँ है जहाँ पर भी आप फंस जाते हो कि हमें नहीं पता सी का क्या पोटेंशियल होने वाला है, तो उसके पोटेंशियल को हम लेट अस सपोज अज्यूम कर लेते हैं कि इस सी पॉइंट का पोटेंशियल एक्स वोल्ट है. सेकेंडली जहाँ पर भी फंस जाएंगे वहाँ पर पोटेंशियल अज्यूम कर लेंगे. फिर उस पोटेंशियल को मानकर वी हैव टू अप्लाई KCL या नोडल लॉ. नोडल लॉ क्या कहती है कि किसी भी जंक्शन पे आने वाला करंट इज इक्वल टू जंक्शन से जाने वाला करंट. ये हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जंक्शन पे चार्ज को एक्यूमुलेट नहीं करते, तो जंक्शन पे जितना भी करंट आएगा उतना ही करंट जंक्शन से जाना पड़ेगा. तो अगर मैं इसी सर्किट को रीड्रॉ करूँ तो व्हाट विल रियलाइज नाउ, देखिए 2 एंड 2 एक ही ब्रांच में तो कनेक्टेड इन सीरीज, तो दिस इज अ 4 ओम, अगेन वही 2 ओम की बैटरी है, दिस इज सी पॉइंट, अगेन 2 ओम, 6 वोल्ट, 1 ओम, 4 वोल्ट एंड दीज आर कनेक्टेड इन दिस वे. तो हमें अब किस किस का पोटेंशियल पता है, ये हम लोगों ने जीरो माना है,
ये हमें 6 वोल्ट पता है, ये हमें 4 वोल्ट पता है, एंड दिस इज ऑफ 2 वोल्ट. हमें जो नहीं पता, ये नहीं पता, हमें x मान लिया. तो अब हम लोग x को हायर पोटेंशियल कंसीडर करके यहां से करंट को फ्लो कराएंगे. अब यहां से हमें कितनी ब्रांचेस मिली, 3. तो यहां से मान लेते i1, ए डायरेक्शन में मान लेते i2, और ये डायरेक्शन में मान लेते i3. सिंपल पैटर्न, प्रोसीजर बड़ा सिंपल है बच्चों, कि आप किसी भी सर्किट में किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल को जीरो मान सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ या पॉइंट ऑफ रेफरेंस. फिर हमने बोला उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग किसी भी सर्किट को इजीली आइडेंटिफाई, इजीली विजुलाइज कर सकते हैं कि किसके पॉइंट्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है. बट अगर कहीं पर भी फंस जाते हैं तो हम लोग वहां पे पोटेंशियल को कंसीडर कर लेते हैं. लेट अस सपोज, जैसे हमने यहां पे माना, अब जो कि ये x एक जंक्शन है और हमें पता है जंक्शन से कितना करंट बाहर जा रहा है, i1, i2 and i3. तो अकॉर्डिंग टू KCL, KCL क्या कहता है, KCL बोले तो किरचॉफ करंट लॉ, जंक्शन पे आने वाला मस्ट बी इक्वल टू जंक्शन से जाने वाला. तो यहां तो देखा है जंक्शन से जा ही रहा है, तो यानी सम ऑफ ऑल द करंट एट द जंक्शन शुड बी इक्वल टू 0. i1 + i2 + i3 मस्ट बी इक्वल टू 0. अब I क्या है, बेसिकली V by R. Now what is V? V is X minus 2. तो what will get? X minus 2 by how much ohm? 4. क्योंकि we know that I equals to V by R. Similarly I2 को कैसे लिखेंगे, X minus 6 by 2. Similarly I3 को क्या लिखेंगे, X minus 4 by 1 equal to 0. Now हम लोग अब इसके लिए x के लिए सॉल्व करेंगे, तो what will realize, 4 LCM x minus 2 plus 2x minus 12 plus 4x minus 16 is equal to 0. तो x 2x 4x यानी it comes out to be 7x minus minus 12 minus 14 minus 30. तो minus 30 is equal to 0. तो x की वैल्यू how much, 30 by 7. तो we can easily get the value of x is 30 by 7 volt. अब अगर x की वैल्यू हमें पता लग गई तो हमें पता है भैया, ये देखिए 30 by 7 यानी something 4 point something. तो यहाँ से करंट, ये माइनस ये i1 की वैल्यू पता लग जाएगी, ये माइनस ये i3 की वैल्यू पता लग जाएगी, ये माइनस ये. अब जो कि हमें पता है इट इज नियरली अप्रोक्सीमेटली 4 point something, और करंट हमने ये माना है i2. तो जब आप लोग यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये माइनस साइन आ जाएगा. तो करंट माइनस साइन के साथ आ रहा है, इट ओनली रिप्रेजेंट्स कि आपने जो डायरेक्शन मानी है, यानी हमने मानी कि वो x से 6 की तरफ जा रहा है, बट रियलिटी क्या है, x से ग्रेटर है 6 वोल्ट, तो वो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए ना. तो बस माइनस साइन इन करंट विल ओनली टेल्स द डायरेक्शन जो आपने मानी है वो गलत मानिए, उसको अपोजिट साइन मानना है, बट दिस इज द ओनली डिफरेंस. तो दिस इज द प्रोसेस कि हम किसी भी क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी किसी ब्रांच में हम फंस जाते हैं तो हाउ टू रिकॉग्नाइज, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. जिस भी पॉइंट पे फंस गए उस पे हम लोग एक पोटेंशियल मान लेते हैं, उस पोटेंशियल को हायर पोटेंशियल मान के वहां से करंट को फ्लो करा देंगे इन ईच एंड एवरी ब्रांच. फिर हर एक में आई इक्वल टू वी बाय आर लगाएंगे और एक्स की वैल्यू के लिए सोल्व कर लेंगे. जो भी x की वैल्यू आएगी, we can easily put this x value of x in this equation, we can easily calculate the value of i1 and i2 and i3. चलिए, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन भी समाव ऐसा ही था हमारे पास. उसमें हम लोगों ने ऐसे किया हुआ था, चलिए तो फिर हमने वही इसको 0 माना, इसको 2 वोल्ट माना, ये 4 वोल्ट माना, ये 6 वोल्ट माना, ये 2 ohm and 2 ohm अगेन, ठीक है ना. वही कि हमें हर एक ब्रांच में करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है.
तो सिंपल प्रोसीजर बच्चों, जीरो मान लिए तो ये प्लस माइनस, तो माइनस टू वोल्ट, प्लस माइनस प्लस प्लस फोर वोल्ट एंड अगेन सिक्स वोल्ट। अब हमें नहीं पता ना इस सी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो लेट अस सपोज एक्स, एक्स माना तो व्हाट विल हैव टू डू नाउ, इसमें करंट आई वन फ्लो करा देंगे, इसमें करंट आई टू फ्लो करा देंगे और इसमें करंट आई थ्री फ्लो करा देंगे। सिंपल वही फंडा, जहां पर भी फंसेंगे वहां पे एक्स कंसीडर कर लेंगे, तो व्हाट विल गेट, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री मस्ट बी इक्वल टू जीरो। एक्स को अब हायर पोटेंशियल मानेंगे तो कंसीडर एक्स एज अ हायर पोटेंशियल, तो व्हाट विल हैव टू डू, एक्स माइनस सिक्स बाय टू प्लस एक्स माइनस फोर बाय टू प्लस एक्स माइनस माइनस टू यानी एक्स प्लस टू बाय टू, इट कम्स आउट टू बी जीरो। नाउ सॉल्व फॉर एक्स, एक्स 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 थ्री एक्स माइनस सिक्स माइनस फोर माइनस टेन प्लस टू माइनस एट, दिस इज इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू कम्स आउट टू बी एट बाई थ्री वोल्ट, 8 बाई 3 वोल्ट नियरली अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग। तो हमने देखा यहाँ से 6, यहाँ पे 2, 4, 2, 2, 2 पॉइंट समथिंग, तो ये वाली डायरेक्शन तो सही रहेगी, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये वाली डायरेक्शन में भी नेगेटिव साइन आ जाएगा बस। तो आई होप ये वाले पैटर्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कहीं पर भी किसी भी ब्रांच में अगर आप जीरो प्लस माइनस करते हुए फंस जाते हो तो जिस भी पॉइंट में फंसे वहाँ पर एक्स मान लेते हैं। अगर एक पॉइंट है तो एक्स एक वेरिएबल मानेंगे, दो पॉइंट मिल जाते हैं तो दो वेरिएबल मान लेंगे। जैसे दो पॉइंट वाला एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, अभी स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एक, लेट्स सी, जैसे हम लोगों ने कैपेसिटर में पढ़ा था बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज, तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास WSB व्हीटस्टोन ब्रिज ही आता है। और आपने देखे भी होंगे क्वेश्चन, उसके अलग अलग फॉर्मेट मिलते हैं, जो कॉमनली यूज फॉर्मेट है वो ये दो टाइप के मिलते हैं हमारे पास। तो बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, इट इज अरेंजमेंट ऑफ 5 रेजिस्टर्स। सिमिलरली हम लोगों ने कैपेसिटर में भी पढ़ा था, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 5 कैपेसिटर। लेट अस सपोज R1, R2, R3, R4 एंड R5। सिमिलरली ये कई बार हम लोगों को ऐसी फॉर्म में भी दिखाई देता है, R1 R2, R3, R4, R5। Now, अगर इनको जरा थोड़ी बारीकी से ये देखें तो what will realize, ना तो ये हमारे पास किसी भी के दो रजिस्टर में या तीन रजिस्टर में, ना तो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन बन पाता है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फिर हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, तो हम लोगों के पास बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज दो फॉर्म में आता है, वन इज बैलेंस्ड एंड सेकेंड वन इज अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस कंडीशन क्या होती है बेटा, ये हमारे पास 12th स्टैंडर्ड में एक एक्सपेरिमेंट भी है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होते हैं मीटर वायर ब्रिज, जो अभी पढ़ेंगे हम अगले कुछ वीडियोस में। तो हम लोग ने क्या देखा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इफ द रेशियो ऑफ R1 बाय R2 रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R3 बाय R4, कई बार ऐसे लिखा रहता है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल गेट, R1 बाय R3 इज इक्वल टू R2 बाय R4, या इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R1 इनटू R4 इज इक्वल टू R2 इनटू R3। ये अलग अलग पैटर्न होते हैं कॉमनली यूज कि कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज का पता लगे कि वेदर दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ बैलेंस और अनबैलेंस। तो हम लोग क्या करते हैं, इनकी रेशो देख लेते हैं, अगर रेशो सेम आती है इधर इनकी रेशो या फिर इनकी रेशो,
अगर रेशियो सेम है तो हम लोग जो ये आर फाइव है फिफ्थ रजिस्टर, तो हम आर फाइव को रिमूव कर देते हैं, और अगर रेशियो सेम है तो उसी रेशियो को हम बोलते हैं ब्रिजेस बैलेंस्ड, ये ब्रिज पॉइंट होते हैं। तो अगर ये दोनों की रेशियो सेम है तो इसका और इसका पोटेंशियल सेम रहता है। अगर पोटेंशियल सेम आ जाता है तो लेट अस सपोज इसको मान लेते हैं सी पॉइंट, इसको मान लेते हैं डी पॉइंट, तो हम इफ ब्रिज इज बैलेंस तो पोटेंशियल एट सी मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट डी। तो ये रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं होता, हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास बड़ा सिंपल सा फंडा बना। अगर ये हम लोगों ने रिमूव कर दिया तो व्हाट विल रियलाइज, नाउ आर वन एंड आर टू इन सीरीज, R1 plus R2 in series, R3 and R2 and R4 is also in series, and now these two are in parallel. Let's say this is R dash and this is R double dash. Now इनका एक combination आ जाएगा parallel. किस किसका? R dash into R double dash by R dash plus R double dash. Simple. तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं हम लोगों के पास तो हमें सॉल्व करने का सिंपल सा पैटर्न है, जहाँ पर भी पांच रजिस्टर दिखाई देंगे वो मोस्ट प्रोबेबली एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही बनने वाला है, और व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा तो हम लोगों के पास कंडीशन जाएगी कि वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड। बैलेंस का कैसे पता लगेगा? इधर ऐसे रेशो और ऐसे रेशो बाय ऐसे रेशो, या इन दोनों का प्रोडक्ट, इन तीनों में से कोई भी जो आपको याद रहे। मोस्टली हम ये बात याद कर लेते हैं कि R1 by R2 must be equal to R3 by R4। अगर बैलेंस्ड है तो ये पांचवा रजिस्टर हम लोग हटा देते हैं। नाउ इफ दिस फिफ्थ रजिस्टर इज कैंसल आउट या रिमूव्ड, तो R1 एंड R3 आर इन सीरीज, R2 एंड R4 आर इन सीरीज, एंड इनका कॉम्बिनेशन आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड वी कैन सिंपली गेट द आंसर। तो बात इसमें तो कभी कोई दिक्कत आती नहीं है, तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन आता है। बट बात आती है कि अगर ब्रिज अनबैलेंस हो जाए तो हमें कैसे पता लगेगा भाई, हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट। उसमें तो हम पांचवे को हटा ही नहीं पाएंगे और फिफ्थ वन को हटा नहीं पाएंगे, तो हमें ये तो नहीं पता कि विच वन विच रजिस्टर्स आर इन सीरीज एंड विच आर इन पैरेलल। चलिए तो हम लोग सिंपल सा फंडा रखते हैं अपना। देखिए Let us suppose, मान लेते हैं this is of 1 ohm, this is of 2 ohm, this is of 1 ohm, this is of 2 ohm, this is of 1 ohm, ठीक है, और हमसे बोला गया कि you have to calculate the R equivalent across A and B। चलो ना सिंपली वही वर्जन है कि अगर हमें बैटरी गिवन है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो जिन भी दो टर्मिनल्स के अक्रॉस अपन लोगों को कैलकुलेट करना होता है आर ए बी इक्विवेलेंट, उसके अक्रॉस हम एक पोटेंशियल अपने मान लेते हैं। तो कोशिश ये करना डियर स्टूडेंट्स की पोटेंशियल जो है ना वो 10 के मल्टीपल्स में मानो, क्योंकि 10 से डिवाइड करना या 10 से मल्टीप्लाई करना इज़ वेरी क्वाइट ईजी। तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर 10 वोल्ट का एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब अगर ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया तो नाउ दीज आर लाइव वायर्स, तो दिस इज ऑफ 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, दिस इज ऑफ 10 वोल्ट, गॉट इट। अब अगर वही पैटर्न लगाए तो हम लोग को क्या देखा, 1 ओम के अक्रॉस हमें पता तो लग गया एक एंड तो 10 वोल्ट पे है, सिमिलरली 2 ओम का भी एक एंड 10 वोल्ट पे है, बट ये दो पॉइंट्स हम लोगों को नहीं पता। तो इन पॉइंट्स का पोटेंशियल जैसे अभी हम लोगों ने बोला कि मान लेते हैं, यहाँ पे दो बार ही फंसे हैं तो अपन लोगों को दो वेरिएबल मान लेंगे। अब दो बार ही मान लिया तो हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल सा फंडा है सर, हमें यहाँ पे वी पता लग गया, अगर हमें आई पता लग जाए, ठीक है ना, टोटल पोटेंशियल कितना 10 वोल्ट, अगर यहाँ से टोटल करंट पता लग जाए कि कितना करंट इसमें से बाहर निकल रहा है या कितना करंट इसमें एंटर किया है, तो हमें पता है हम आर इक्विवेलेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं वी बाय आई, ठीक है ना। तो V by I कैलकुलेट करके हम लोग इजीली इसका R इक्विवेलेंट निकाल सकती है। अब बात ये कि सर यहाँ पे तो हमारे पास दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल है जैसा कॉन्सेप्ट बताया कि एक बारी एक को हायर पोटेंशियल मानो करंट निकाल दो अप्लाई KCL।
एक ही क्वेश्चन बननी थी, एक वेरिएबल था, यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो हम लोगों ने बड़ा सिंपल सा फंडा रखा कि लेट से यहाँ से आई वन निकाल देते हैं, यहाँ से आई टू निकाल देते हैं, यहाँ से आई थ्री। कंसिडर एक्स एज अ हायर पोटेंशियल, तो अकॉर्डिंग टू एट एक्स, अकॉर्डिंग टू केसीएल, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री मस्ट बी इक्वल टू जीरो, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री मस्ट बी इक्वल टू जीरो। चलिए आई वन क्या हुआ, x माइनस टेन बाई वन, एक्स माइनस टेन बाई वन प्लस एक्स माइनस वाई बाई वन, एक्स माइनस वाई बाई वन प्लस एक्स माइनस जीरो बाई टू, यानी एक्स माइनस जीरो बाई टू इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व फॉर x, तो व्हाट विल गेट, टेकिंग टू एलसीएम, टू एक्स माइनस ट्वेंटी प्लस टू एक्स माइनस टू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। नाउ टू एक्स फाइव, फाइव एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। सिमिलरली अब नाउ कंसिडर वाई इज ए हायर पोटेंशियल, तो ये करंट I1 है, इसको I1 डैश मान लेते हैं, इसको हम लोग I2 डैश मान लेते हैं, और इसको हम I3 डैश मान लेते हैं। नाउ एट Y, I1 डैश प्लस I2 डैश प्लस I3 डैश मस्ट बी इक्वल टू जीरो। चलिए अब I1 को क्या लिखेंगे बच्चों, हम I1 को हम I1 डैश को हम लिख सकते हैं Y माइनस टेन बाई टू प्लस y माइनस एक्स बाय वन प्लस y माइनस जीरो बाय वन इक्वल टू जीरो। अगेन टेकिंग एलसीएम, तो व्हाट विल गेट, y माइनस टेन प्लस टू वाई माइनस टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, तो व्हाट विल गेट, फाइव वाई माइनस टू एक्स इज इक्वल टू टेन। नाउ टू वेरिएबल, two equations, solve for x and y. So what we'll get? Minus 2x plus 5y is equal to 10. अब हमें elimination method लगाना है, तो किसी भी equation को eliminate कर दो, इसको 2 से multiply कर दो, इसको 5 से multiply कर दो, तो what we'll get? Multiply this equation by 2 and this equation by 5. तो 10x माइनस फोर वाई इज इक्वल टू फोर्टी, माइनस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव वाई इक्वल टू फिफ्टी, एडिंग टू टेन विल कैंसिल आउट, ट्वेंटी वन वाई इज इक्वल टू नाइन्टी। तो वाई की वैल्यू व्हाट विल गेट, नाइन्टी बाई ट्वेंटी वन, एंड इट्स कम्स आउट टू बी थ्री टेन जा थर्टी, 330 times and 7, यानी what will get, 30 by 7 volt. Similarly put this equation in any of the equation, so what will get, put this in y, so what will get, 5x minus 2 into 30 by 7 is equal to 20, so what will get, 5x is equal to 20 plus 60 by 7. Taking LCM, so what will get, 140 by 7, yani it comes out to be 200 by 7. Again x 5, 5 se divide karenge, so what will get, 5, 4 is 20, yani 40 by 7. To hume ye wala potential mila 40 by 7 ka, aur ye wala potential mila hume 30 by 7 volt. Chali, ab dekho beta. Now, जो कि हमें पता है, दिस इज ए ब्रांच, इस ब्रांच में से जैसे केसीएल हम लोगों ने पढ़ाया था कि हर एक ब्रांच में एक करंट जाएगा, तो अगर यहाँ से करंट आई गया तो यहाँ से करंट भी आई आएगा, और वो आई करंट किस किस के बराबर होगा, आई थ्री प्लस आई थ्री डैश, यानी अगर मैं आई थ्री प्लस आई थ्री डैश को कैलकुलेट कर लूँ तो वो टोटल करंट बना मेरा आई, ठीक है ना। अब आई थ्री कैसे निकालेंगे हम, 40 बाय 7 माइनस 0 बाय 2, तो आई थ्री कितना हो गया बेटा, 40 बाय 7 माइनस 0
by 2, it comes out to be 20 by 7. Similarly, I3 dash how much? 30 by 7 minus 0. 30 by 7 minus 0 by 1. So it comes out to be 30 by 7. So total current in this circuit kitna hoga beta? 20 by 7 plus 30 by 7. So this comes out to be I 50 by 7. Done? ठीक है, V कितना है? 10 volt. तो V is 10 volt. R equivalent कितना हो जाएगा by using ohms law? V by I. तो सर 10 by 50 into 7. यानी it comes out to be 7 by 5 ohm. थोड़ी calculation typical है, but format बड़ा simple है. तो हम लोगों ने एक बारी दोबारा देखेंगे इस question को कैसे किया. हम लोगों ने व्हाट वी रियलाइज कि सबसे पहले देखा कि वेदर दिस ब्रिज इज बैलेंस और अनबैलेंस्ड. तो हम लोगों ने देखा रेशियो सेम नहीं है, 1 बाय 2 2 बाय 1, तो दीस रेशियोज आर नॉट करेक्ट. तो ये बैलेंस तो नहीं है, यानी वी आर नॉट गोइंग टू रिमूव दिस 1 ओम रेजिस्टेंस. फिर हाउ टू सॉल्व देम? तो हमने बोला कि जिन भी दो टर्मिनल्स के अक्रॉस निकालना है वहां पर एक बैटरी को अज्यूम मान कर लीजिए, हमने बोला 10 वोल्ट. फिर व्हाट विल डू? तो हमने बोला कि भैया ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है टोटल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बाय टोटल करंट. भाई जितना करंट इसमें से एंटर करेगा उतना ही करंट यहां से निकलेगा, तो यही टोटल करंट. और ये टोटल करंट किस किस ब्रांच में? I3 और I3 डैश. यानी अल्टीमेट गोल क्या हमारा? I3 और I3 डैश की वैल्यू को कैलकुलेट करना. बट अगर मुझे यहाँ का इस पॉइंट का पोटेंशियल पता होता तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस करके डिवाइडेड बाई ओम करके I3 मिल गया. लेकिन बात यह कि यहाँ पे मुझे दो वेरिएबल मिल गए, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं बेटा. दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन. जिस भी पॉइंट पर आप नोडल एनालिसिस या केवीएल लगा केसीएल लगा रहे हो उस पॉइंट के पोटेंशियल को हायर मान लेना है. हायर मानते हुए करंट जितनी भी ब्रांचेस निकली करंट निकाल दो. आई वन आई टू आई थ्री. आई वन की वैल्यू वी बाय आर, वी बाय आर. तो वी क्या है? एक्स माइनस 10 बाय 1, एक्स माइनस वाई बाय 1, एक्स माइनस 0 बाय 2. ऐसे करते हुए हम लोगों के पास दो इक्वेशंस बनी x और y के टर्म्स में. वन इज दिस वन एंड वन इज दिस वन. फिर हम लोगों ने एलिमिनेशन वाला मेथड लगाया, मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन को सेम करके ऐड या सबट्रैक्ट करेंगे, वहां से x की वैल्यू निकलेगी. किसी भी दूसरे इक्वेशन में पुट करके वी कैन इजीली गेट दी वैल्यू ऑफ y. नाउ हमें मेन मोटो क्या था कि जितना सर्किट से करंट जा रहा है डिवाइडेड बाय है ना, वो करंट मिल गया. पोटेंशियल हम लोगों ने माना है, इसलिए बोला था कि पोटेंशियल 10 के मल्टीपल में मानना, क्योंकि डिवाइड करना बड़ा सिंपल बन जाएगा हमारे पास. तो v बाय r, I कितना है 50 by 7, V कितना है 10, तो we can easily get the answer 7 by 5 ohm. तो this is the easiest method to solve the unbalanced bridge. This is also known as your nodal analysis. तो nodal analysis का use करके हम लोग unbalanced Wheatstone bridge को solve कर सकते हैं. तो I hope ये वाला pattern आप लोगों को समझ में आया होगा. Next video में हम इसका थोड़ा और एडवांस लेवल पे चलेंगे कि कैसे किसी भी सर्किट के किसी भी ब्रांच में वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द करंट. तो आई होप ये वाले पैटर्न समझ में आए होंगे. बैलेंस क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, अनबैलेंस क्या होता है. बैलेंस तो बड़ा सिंपल है, अनबैलेंस है तो नोडल एनालिसिस. और इस नोडल एनालिसिस से आने से पहले पहले हम लोगों ने पहली दो तीन वीडियोज में जितना भी कॉन्सेप्ट बताया, तो किसी भी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्टार्टिंग से देखिए, समझ में आता है, समझ में आ जाएगा. आप लोगों को बस कॉन्सेंट्रेट करके बैठना है और अपना सीधा ध्यान न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा प्रोफिशिएंसी आप में आएगी और उतना ही ज़्यादा आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे. चलिए स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय.